आज का हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो क्वेश्चन है, ओ ए बी सी आर द फोर पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंसेज ऑफ ए बी सी फ्रॉम ओ आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी शो दैट ये। वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसमें ओ ए बी सी पॉइंट्स हम लोग शो करते हैं और ये पॉइंट्स का जो डिस्टेंस, ए बी सी पॉइंट्स का डिस्टेंस ओ से जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो मान लेते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ओ ए हमने अल्फा ले लिया, ओ बी बीटा ले लिया, ओ सी गामा ले लिया। ओ इज इक्वल टू अल्फा, ओ बी इज इक्वल टू बीटा, ओ सी इज इक्वल टू गामा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए यानी बीटा माइनस अल्फा। बी सी का वैल्यू क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ बी, बी सी का वैल्यू ओ सी माइनस ओ बी, गामा माइनस बीटा आ गया। अब ए बी और बी सी का वैल्यू यहाँ इक्वालिटी में पुट करते हैं, यानी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। बीटा को एल एच एस में लाएंगे, अल्फा को आर एच एस में भेज देंगे, तो आ जाएगा टू बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे काम आएगा, टू बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। अब जो हमारे ये तीन रूट्स थे अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स से हम लोग चालू करते हैं, सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस थ्री बी बाई ए। ये कैसे आया, अल्फा बीटा गामा ये जो यहां अगर हम लोग देखें, अल्फा बीटा गामा नॉर्मली होता है माइनस बी बाई ए, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशियंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है थ्री बी और एक्स क्यूब का कोफिशियंट है ए और माइनस ये वाला, इसलिए माइनस थ्री बी बाई ए। और जैसा कि जस्ट अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशन ड्राइव किया है, गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टू बीटा, तो यहाँ गामा प्लस अल्फा करेंगे तो वो हो गया टू बीटा और प्लस ये बीटा मिलके हो गया थ्री बीटा, तो ये हो गया माइनस थ्री बी बाई ए। थ्री थ्री कैंसल, तो बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए। ये इक्वेशन भी आगे, ये रिलेशन भी आगे काम आएगा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू थ्री सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब इसी इक्वेशन में बीटा का वैल्यू जो अभी अभी निकला है माइनस बी बाई ए, अगर हम पुट करेंगे तो अल्फा माइनस बी बाई ए गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस माइनस कैंसिल होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बी को अगर यहाँ डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो अल्फा गामा का वैल्यू आ जाएगा डी बाई बी। ये इक्वेशन फाइव। अब इक्वेशन फोर को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ये कैसे होगा, अगर यहाँ पर इन दोनों को अगर देखा जाए तो बीटा कॉमन है, हम लोग बीटा कॉमन ले लेते हैं। बीटा कॉमन लेंगे तो आएगा अल्फा प्लस गामा, गामा अल्फा इक्वल टू थ्री सी बाई ए। अल्फा प्लस गामा का जो हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किया था, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टू बीटा, तो ये टू बीटा और ये बीटा मिलके हो जाएगा टू बीटा स्क्वायर। गामा अल्फा का वैल्यू जस्ट यहीं पर आया है डी बाई बी इज इक्वल टू थ्री सी बाई ए। अब बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ डिराइव कर चुके हैं, वो है माइनस बी बाई ए। अब उसको यहाँ पुट करेंगे 2 बीटा स्क्वायर में, तो बीटा का वैल्यू जो है बीटा माइनस बी बाई ए। बीटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2 बी स्क्वायर प्लस सॉरी बीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये 2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी बाई बी इज इक्वल टू 3 सी बाई ए। एलसीएम लेंगे हम लोग तो बी इधर जाएगा 2 बी क्यूब, ए स्क्वायर इधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 सी बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक ए इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ एक ए बचेगा, तो ये टू बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए और बी इधर जाएगा तो थ्री ए बी सी। ए बी सी को हम लोग एल एच एस में भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर डी माइनस थ्री ए बी सी प्लस टू बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को सिविल अप टू डेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।